पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला कोरोना से जिंदगी की जंग हार गई। बीती देर रात रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उनका निधन हो गया। करुणा शुक्ला के निधन से सारा प्रदेश शोक में डूब गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, महापौर एजाज ढेबर ने शोक जाहिर किया है। दिवंगत करुणा शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। उनका जन्म 1 अगस्त 1950 को ग्वालियर में हुआ था। साल 1983 में पहली बार बीजेपी से विधायक चुनी गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के चरणदास महंत के खिलाफ किस्मत आजमाई, मगर सफल नहीं हुई। जिसके बाद साल 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से लड़ाया। वह 1982 से 2013 तक बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने 2013 में कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। जी हाँ, आपको बता दें 2013 में कांग्रेस में शामिल हुई करुणा शुक्ला टिकट ना मिलने के कारण नाराज होकर वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। TCP24 की ओर से दिवंगत करुणा शुक्ला को शत शत नमन। TCP24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।